Welcome friends, Namaskar from Vishal Mulya, and in this second video we are continuing with the chapter 1. In the first video we have seen the introduction of the unit and now we are beginning with the chapter. The first chapter of the biology, that is the living world. So welcome to the science from Vishal Mulya and welcome to the biology by Vishal Mulya. Welcome. डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज गोइंग टू स्टडी, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड फर्दर थिंग्स लाइक व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग इज. लेट मी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. सो द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इज विद वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड. हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. हम जहाँ रहते हैं वो दुनिया बहुत ही सुंदर है. जब हम फॉरेस्ट में जाएंगे या तो स्कूबा डाइविंग करेंगे तो ऐसी चीजों में हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है. एंड देयर इज वाइड रेंज ऑफ अमेजिंग एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग टाइप्स यू कैन से. बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स हमारे आमने सामने हमें देखने को मिलते हैं. The things where they are living is also very, 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 you can say, beautiful. And the habitat, जहाँ पे ये रहते हैं, like the cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert, hot spring, ये सब चीजें जो है वो हमें speechless कर देती है. आइए देखते हैं कुछ beautiful things. लाइक द कॉल्ड माउंटेन, जहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है लेकिन वहाँ भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वहाँ भी बैक्टीरिया मिलते हैं, लाइफ फॉर्म वहाँ भी होते हैं. इवन डेसिडियस फॉरेस्ट में भी मिलता है, ओशन में भी मिलता है, फ्रेश वाटर लेक में तो कहने की जरूरत नहीं है. डेजर्ट जैसी सूखी जगह पे भी हमें एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं. इवन इन दी हॉट स्प्रिंग वी कैन गेट सम गुड बैक्टेरिया. एंड ये सब चीजें जो है वो हमें स्पीचलेस कर देती है कि हाउ द ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज एंड वेयर द लाइफ फॉर्म कैन एग्जिस्ट. ब्यूटी ऑफ नेचर की अगर हम बात करें तो गैलोपिंग हॉर्स की ब्यूटी देखो. जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में भले ही बताया हो लेकिन हम रियल सेंस में ये एंजॉय कर सकते हैं. Migration of bird, very beautiful, and migrating bird, even non-migrating bird is also very interesting. Valley of flower ka batane ki zarurat nahi hai, one of the best or one of the most beautiful place to visit. And kabhi scuba diving karne ka mauka mile to shark ko bhi dekhne ka ek bahut hi interesting phenomenon rehta hai. So the beauty of this horse or migrating bird or Valley of flower or attack of shark, everything is having deep sense of wonder. It makes us the wonder. Everything is wonderful. और ये जो wonderful things है उसी को हम biology में study करते हैं. That is the beauty of biology. Now the technical words are there. The ecological conflict and cooperation among the member of population and among the member of community of the population and molecular traffic. लंबा लंबा है, एक एक चीज हम देखते हैं. ये पूरे सेंटेंस में few important keywords है. One keyword is ecological conflict and cooperation between the different organism and within the same organism population. तो ये जो लेन देन है, ये जो फाइट है, ये कोऑपरेशन है अमंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन के और डिफरेंट पॉपुलेशन के, हम एक के बाद एक को देखते जाएंगे. और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक विद इन अवर बॉडी, विद इन अवर सेल, ये सब चीज हमें स्पीचलेस कर देती है. आइए देखते हैं उसका कुछ डिटेल. जब हम ये कहते हैं कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन, मतलब कि एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वी कैन सी हियर
अगर आप अपने भाई या बहन से झगड़ा करते हैं तो दैट इज बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, और अगर आप मुझे कमेंट लिख के भेजते हैं तो दैट इज ऑल्सो द कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पेसेस, वी बिलोंग्स टू सेम स्पेसेस। दूसरा जो रहता है वो कम्युनिटी के बीच में रहता है, जो कि डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन के बीच में रहता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग पॉपुलेशन के हैं लेकिन एक कम्युनिटी में रहते हैं, उसके बीच में भी इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन होता है। पेट्स को हम पालते हैं, आवर इंटरेक्शन विथ काउ, आवर इंटरेक्शन विथ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट और लायन, तो ये सब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग्स द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी। एंड थर्ड थिंग, ये इतनी बड़ी चीज जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसके बाद जो छोटी सी चीज आती है, दैट इज द सेलुलर ट्रैफिक। हमारी बॉडी के अंदर एक एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कहीं प्रोडक्शन होता है, कहीं यूज होता है, उसकी मूवमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाली की मूवमेंट, एवरीथिंग इज मेकिंग अस स्पीचलेस, हमें बहुत ही सरप्राइज कर देती है। इवन जस्ट सोचो, 5 लीटर ऑफ द ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन अवर बॉडी विदाउट हार्मिंग अस, विदाउट ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, दैट इज वंडरफुल थिंग्स एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर सब्जेक्ट बायोलॉजी। अगेन आई एम सेइंग दैट इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। अभी यहां पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वन इज द टेक्निकल, वन इज फिलोसॉफिकल। द टेक्निकल क्वेश्चन इज व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग थिंग्स, द नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो फिलोसॉफिकल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है। एज अ साइंस पर्सन और एज अ साइंटिस्ट, वी विल नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट द सेकंड क्वेश्चन, वी विल नॉट गो फॉर इट, चलो नीट के लिए वो ऑप्शन में निकल देते हैं, बट वी विल ट्राई टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग इन कंपैरिजन टू नॉन लिविंग थिंग। सो कमिंग टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी, व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी गो फॉर द कन्वेंशनल वे, वी गो फॉर सर्टेन कन्वेंशनल लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो कन्वेंशनल फीचर या जो कॉमन फीचर्स जो हमें दिखते हैं, दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। चलो देखते हैं एक चीज, ग्रोथ कॉमन फिनोमिनन फॉर ऑल ऑफ अस। अनदर थिंग इज रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी कैन सी दैट इज देयर। देन देयर इज अ सूटेबल रिस्पॉन्स, कोई भी चीज का हम ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं, एंड दैट रिस्पॉन्स कैन बी बाय प्लांट एंड कैन बी बाय एनिमल ऑल्सो, इन फ्यूचर यू विल हैव दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू एंजॉय। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, हमें खुशबू भी आती है, हमें टेस्ट भी आता है, और वी सेंस द एनवायरमेंट इवन हीट ऑल्सो। सो दिस आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अनदर थिंग इज देर आर सर्टेन मोर फीचर्स लाइक मेटाबोलिज्म, जो भी टेक्निकल चीजें आ जाती है, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो टेक्निकल है जो एक लेमन को नहीं पता है। प्रीवियस जो हमने देखे दैट इज नोन टू लेमन, दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय लेमन, लेकिन जो ये एडिशनल फीचर है वो एक साइंस के पर्सन के लिए है, मेटाबोलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबोलिज्म क्या है? मेटाबोलिज्म इज इनटेक ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एनर्जी क्रिएशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन विद द रिपेयरिंग ऑफ बॉडी, ये पूरा डिटेल में मेटाबोलिज्म जो है वो हम आगे देखेंगे। एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट इज
एग्जिस्टिंग विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली. कभी ये अपना कंप्यूटर जो है वो एक में से दो नहीं हो जाता, मोबाइल एक में से दो हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट इज एग्जिस्टिंग विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. सेल ऑर्गेनाइज मिलकर सेल बनाती है, सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू में से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं, बॉडी पार्ट्स मिलकर बॉडी सिस्टम बनाते हैं, और अल्टीमेटली द होल ह्यूमन बीइंग और द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दिस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है. अभी हम एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं और शुरुआत करते हैं ग्रोथ से. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सब ग्रो होते हैं. ग्रोथ एग्जैक्टली हम कैसे देखते हैं, तो इंक्रीज इन द मास एंड नंबर ऑफ सेल्स. तो उसको हम एक नॉर्मल सी करेक्टरिस्टिक्स मान लेते हैं कि मास में बढ़ता है और नंबर में बढ़ता है. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग बाय सेल डिवीजन. प्लांट में ये जो चीज है वो पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है, इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान. बट इन एनिमल वी ग्रो अप टू सर्टेन एज, हम पूरी लाइफ टाइम बढ़ते नहीं जाते, अदरवाइज तो 100 साल का बंदा 9 फीट का हो जाता, राइट. हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू इज देयर टू रिप्लिकेट द लॉस्ट ऑफ द सेल्स एंड दैट इज अकरिंग थ्रू आउट द लाइफ इन द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इन कंपेरिजन टू दैट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. वहां पे जैसे ही सेल डिवीजन होता है ग्रोथ हो जाता है. ये जो ग्रोथ है वी कैन इजीली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर. इन विट्रो मतलब पेट्री प्लेट में हम जब सेल को कल्चर करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, तब हम ये इजीली देख सकते हैं. इन मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज mutually exclusive event. After growth there is reproduction, and after reproduction again the growth cycle will continue. One must remember that increase in the mass, body mass is considered as growth. पूछ लीजिए अब आपके parents को, आपका जन्म हुआ तब आपका body weight कितना था और अभी measure कर लीजिए, that is considered as growth. Even non लिविंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ग्रोइंग. हम ये बात करते हैं कि कंपनी का इतना ग्रोथ हुआ, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का इकोनॉमिक ग्रोथ ये हुआ, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ये हुआ. सो इवन ग्रोथ इज नॉट ओनली एंड ओनली रिस्ट्रिक्टिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इवन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्रिस्टल भी ग्रो होते हैं. वी कैन सी क्रिस्टल ग्रोथ, वी कैन सी द सॉल्ट डिपोजिशन फॉलोइंग द ग्रोथ. इवन जियोलॉजिकल देखे तो माउंटेन भी ग्रो होते हैं, बॉल्डर्स भी ग्रो होते हैं, सैंड माउंट भी ग्रो होते हैं. लेकिन ये सब चीजें जो ग्रो होती है उसका ग्रोथ जो है वो आउटसाइड से है, बाहर से है. बाहर से कुछ ना कुछ चीजें डिपॉजिट होती है और वो ग्रो होते हैं. लेकिन हमारे केस में इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज फ्रॉम द इनसाइड. हम अंदर से ग्रो होते हैं. हमारे ऊपर ये नहीं होता कि बाहर से आए सेल चिपक गए और हम ग्रो हो गए. नो, वॉट एवर द सेल डाइंग ऑन अवर सरफेस वी रिमूव इट बाय टेकिंग बाथ. हम नहा के वो दूर कर देते हैं. हमारा ग्रोथ अंदर से होता है. ग्रोथ इज अकरिंग इन नॉन लिविंग ऑल्सो एंड लिविंग ऑल्सो. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ग्रोथ है. लेकिन ग्रोथ इज नॉट द कंप्लीटली प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टिंग टू ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ग्रोथ करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं.
कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड यही चीज को अगर हम डेड बॉडी में देखें तो ऑफकोर्स वी नो वेरी वेल डेड ऑर्गेनिज्म डजेंट ग्रो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. सो इन टोटो वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, बट ग्रोथ मीन्स वो लिविंग है ऐसा हम नहीं कह सकते. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी लिविंग है वो ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द हायर ऑर्गेनिज्म इज गिविंग और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज गिविंग राइज टू द प्रोजेनी, एंड दैट इज द प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द नेक्स्ट जनरेशन इज रेज्ड विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट जनरेशन. Invariably and implicitly, we refer it to the sexual reproduction, but even organism is growing by asexual reproduction also. Fungi is multiplying and spreading easily due to the millions of asexual spores, and they reproduce. So sexual as well as asexual reproduction both is existing in the living organism. The lower organism like yeast and hydra is dividing or is reproducing by budding. Planaria like organism which is flat worm, we observe the true regeneration. Uske fragment kar do and that fragmented organ part will grow again and become the new organism. Fungi mein, particularly in the filamentous fungi, wo fragment ho jati hai aur fragment jo hai wo multiply karte hain. Matlab fragment mein se pura ka pura organism banta hai. तो ये ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और यूनिसेल्युलर अल्गी लाइक और यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा मेंबर्स लाइक अमीबा, देयर ग्रोथ इज सिंक्रोनाइज्ड विद द इंक्रीज इन द नंबर मीन्स द रिप्रोडक्शन. सो वहां पे हम रिप्रोडक्शन को ही ग्रोथ मान लेते हैं. We have already defined the growth is equivalent to increase in the number of cell or increase in the number of mass. So in case of single cell organism, we are not very clear that what we can say, whether it is growth or whether it is reproduction, but it is going vis a vis, wo ek saath chalte rehte hain. Furthermore, reproduction is of course the important phenomenon of the living organism, important feature of the living organism, but jo reproduction nahi karte usko hum non-living hai aisa nahi keh sakte. Like there are so many sterile worker bees. Jab hum artificial fertilization karwa ke horse and donkey se mules develop karte hain, तो दैट हाइब्रिड इज नॉन फर्टाइल, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. देर आर सो मेनी कपल्स इन अवर वेसिनिटी हु आर नॉट गिविंग रेज टू द किड्स, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते. तो हम ये नहीं कह सकते बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर नॉन लिविंग. तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी द ऑल इंक्लूसिंग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन नहीं करते वो नॉन लिविंग है ऐसा हम नहीं कह सकते. अगर यही बात करेंगे तो काफी सारे जो हमारे सीनियर ब्रह्मचारी लोग हैं वो नॉन लिविंग हो जाएंगे, इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नॉन लिविंग हो जाएंगे. एक चीज बहुत ही कन्फर्म है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो itself is not capable of reproduction or replicating by itself. Computer अपने आप एक नया computer नहीं बना के दे सकता. एक robot भी अपने जैसा robot बना सकता है mechanically अगर हम समझा दे दो, लेकिन वो एक एक metal एक एक part जो है वो produce नहीं कर सकता. जो एक living organism दूसरे living organism का raise कर सकता है ऐसे
एक मोबाइल दूसरे मोबाइल का नहीं कर सकता. सो वन ऑफ द फैक्ट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर लुकिंग टू इज मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल्स. सो मेनी केमिकल्स आर मेड इन अवर बॉडी, यूज इन अवर बॉडी, एक्सरिटेड फ्रॉम अवर बॉडी. दिस केमिकल्स वेदर इट इज स्मॉल और बिग, बड़े हो या छोटे हो, कोई भी क्लास के हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, लिपिड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, न्यूक्लिक एसिड हो, उसका कोई भी क्लास हो, कोई भी साइज हो, कोई भी फंक्शन हो, जो भी है वो अल्टीमेटली जो बायोमोलिक्यूल्स के बने हैं वो कुछ न कुछ रिएक्शन करते हैं रहते हैं, और ये रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, एंड दैट रिएक्शन इज मेटाबॉलिक रिएक्शन. देर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज यूनिसेल्युलर और वेदर इट इज मल्टीसेल्युलर. हमारे सेल के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस चलती रहती है. ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स, दे एग्जिबिट दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज सम टोटल ऑफ द रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी. नो नॉन लिविंग शोइंग और एग्जिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म. अपने आप प्रोसेस करना कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है. मेटाबॉलिक रिएक्शन हम बाहर दिखा सकते हैं, नॉन लिविंग में हम दिखा सकते हैं, सेल्फ फ्री सिस्टम में हम करवा सकते हैं, लेबोरेटरी में हम कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस दिखा सकते हैं, लेकिन जो हम लेबोरेटरी में मेटाबॉलिक प्रोसेस दिखाते हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज द लिविंग फैक्ट. हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी को हम ये नहीं कह सकते कि वो मदर है. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड अवर बॉडी विच इज परफॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. वहां पे ऑफकोर्स मेटाबोलिज्म होता है लेकिन वो लाइफ नहीं होती. सो मेटाबोलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन. कोई भी ऑर्गेनिज्म मेटाबोलिज्म करता है, बट आइसोलेशन में जो मेटाबोलिज्म होता है, राइट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो प्रोसेस, that is not considered as the living things. It is just the living reactions. It is only simple reactions, metabolic reactions, but not the life. So we can say the cellular organization of our body is having the metabolism, and that's why it is one of the defining feature of the life form. Next, we are looking to the response to the environmental stimuli. Response to the stimuli is obvious and technically complicated feature of all living organism, and that is nothing but it is sensing the surrounding environment. Hum ek tarah se wo sense bhi karte hain aur immediately we give the response also. We give response to the environmental stimuli, that is also very important. और ये जो response है वो कैसे environmental stimuli पे होता है? Physical, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने चाटा मारा, physical one. It can be chemical one. कहीं से अच्छी सी खुशबू आ गई तो वो chemical हमारे नाक में पहुंच जाते हैं, तो that is one kind of stimuli. And even biological also. So, we sense all that stimuli with the help of our sense organs, जिसके बारे में हम आगे के chapters में पढ़ेंगे. Even plant is sensing. We will go through that in detail in the plant physiology. Light, water, temperature, presence of other organisms, pollutants वगैरह का effect जो है वो plant पे भी आता है. So, plant is also having sense. Like we are also having sense. All organisms, whether it is prokaryotes or whether it is complicated higher organism, eukaryotes, jo bhi hai wo sense bhi karte hain aur
रेस्पॉन्स भी करते हैं। फोटोपीरियोडिज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, और वो प्लांट्स के लिए भी है। लाइट इज अफेक्टिंग टू सीजनल ब्रीडर्स, सो लाइट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी सेंस द लाइट, वी सेंस द टेम्परेचर, वी सेंस द केमिकल्स विच इज एंटरिंग इन अवर बॉडी, एंड वी इवन रिस्पॉन्ड ऑल्सो। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, आई मीन द एनवायरमेंट। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, हमें ये पता है कि मैं कौन हूं, दैट इज द सेल्फ कॉन्सियसनेस। प्लांट इज नॉट नोइंग, और स्टिल वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दैट रिसर्च, वेदर द प्लांट कैन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और प्लांट इज हैविंग सेल्फ कॉन्सियस और नॉट, बट ये फैक्ट है कि हम सेल्फ कॉन्सियस है, मुझे ये करना है, हम डिफाइन करते हैं। कॉन्सियसनेस इज देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्सियसनेस। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सेल्फ कॉन्सियसनेस और कॉन्सियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। When it comes to human being, it is all more difficult to define the living state. थोड़ा वो complicated हो जाता है। अगर हम self consciousness as the main characteristics मान ले, तो मान लो कोई patient है, वो coma में है, machine पे है, life supporting machine पे है, उसके सिर्फ और सिर्फ hearts और lungs चल रहे हैं, या तो उसको भी replace करना है, लेकिन brain काम नहीं कर रहा, तो उसका सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, तो क्या हम उसको लिविंग नहीं मान सकते? ही इज अलाइव टिल ही इज नॉट डाइंग। कोई पेशेंट ब्रेन डेड है, तो उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बट वो जिंदा तो है। देर आर सो मेनी पेशेंट हु विल नॉट कम बैक टू द कॉन्शियसनेस, और उसका दिमाग फिर से नहीं चलेगा, तो हम क्या कहेंगे? उसको डेड कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे, राइट? वो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। इसीलिए कॉन्शियसनेस इज ऑफकोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट नॉन कॉन्शियस है तो वो लिविंग नहीं है, ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम नहीं कह सकते। इन द हायर क्लास यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिनन आर अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द constituent of the cell, but arises as a result of the interaction among the constituents of the cell. मतलब कि अकेला कोई organ, organelle itself is not living. Mitochondria, of course, जिंदा रह सकते हैं outside the cell, but they can't perform the way it is performing inside the cell. Similarly, the property of the cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelles, but arise as a result of the interaction among the molecular component comprises by the organelles. मतलब mitochondria जो है वो oxygen लेके उसका utilization करके glucose का breakdown करके carbon dioxide produce कर सकता है, but That is not the only thing. मतलब कि ATP generation की only process जो है वो life नहीं है। जब सब मिलके काम करते हैं तब जो है वो life हो जाती है। तो interaction जो है within the cell, between the cell, within the molecule, between the molecule, that is the property of the organization. और उसका एक एक करके जो higher level हो जाता है That is making the life. So, the interaction ki jo hierarchy hai, that hierarchy is going through the complexity at each and every level, but that hierarchy is one of the important phenomenon for the life. So, we can say, the living organism are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. So that is what the life is in
little bit way we can say in the beginning of the biology. So in toto, biology is story of life on earth. It is the story of evolution of living organism on earth, and all living organism, whether it is in the present, whether it was there in the past or in future, who will evolve, they all are linked to each other by one or another way, by sharing the genetic material. Bacteria mein bhi DNA hota hai, aap logo mein bhi DNA hota hai, mujh mein bhi DNA hai, and perhaps in future, whatever the organism will come, they will be having DNA. So, similarity to hai. We all are having protein, carbohydrate, we all are having metabolism, but at the same time, there is variation also, and that variation is giving the biodiversity. That is the main important thing in the living organism. So, this variation, this diversity, we are going to study in the next video lecture. Till that, thank you very much. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.